सो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग आईफोन 15 प्रो मैक्स की। एंड इस फ़ोन में हम करेंगे गेमिंग टेस्ट, हम करेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड का फुल मैप का रैंकेड गेम प्ले। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेचुरल टाइटेनियम आईफोन 15 प्रो मैक्स देखने के लिए मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर टाइप सी टू टाइप सी केबल है एंड काफ़ी हद तक अच्छी केबल है। एंड भाई साहब क्या क्या गिर रहा है मेरे पास, ये है। एंड इसके अंदर में स्टिकर देखने के लिए मिलता है एंड डॉक्यूमेंटेशन है। एंड उसके बाद है ये सिम इंजेक्टर टूल, इसको वापस रख देते हैं हम। एंड ये रहा हमारा फोन नेचुरल टाइटेनियम अनबॉक्सिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, शानदार है एंड मेरी चैनल की सबसे महंगी अनबॉक्सिंग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया है बैक साइड में, मतलब कि ये फ़ोन मेरा हो चुका है। एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड 12 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे हैं। एंड इसमें है 5x टेलीफोटो फोकल लेंस एंड सेल्फी के साइड में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। डायनेमिक एलेंड भी है इसमें। फ़ोन के ऊपर साइड में कुछ नहीं, राइट साइड में एक पावर बटन है एंड फ़ोन के नीचे साइड में स्पीकर गिल है, चार्जिंग पोर्ट है जो कि टाइप सी वाला है, पहली बार ऐसा हुआ है। एंड माइक्रोफोन है एंड फ़ोन के राइट साइड में सिम ट्रे ग्रिल है एंड वॉल्यूम रॉकर्स है, वॉल्यूम अप डाउन। एंड यहाँ पर है एक्शन बटन, चलो एक्शन बटन को यहाँ पर ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें साइलेंट एंड काफ़ी सारे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गया या कैमरा हो गया या काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको एक्शन बटन में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है गेमिंग की, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं गेम प्ले। सो यहाँ पर फोकस मोड भी है, गेमिंग मोड। सो यहाँ पर मैं गेमिंग मोड को ऑन कर लेता हूँ एंड गेमिंग मोड को ऑन करने के बाद जो गेम प्ले है एंड जो गेमिंग एक्सपीरियंस है और भी हद तक अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने कर लिए हैं गारेना फ्री फायर को स्टार्ट। एंड मैं पहली बार आपको सबको बताने वाला हूँ, सेंसिटिविटी देख सकते हो एंड जो मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शंस वो। एंड यहाँ पर ऑटो पिकअप एंड ग्राफिक्स देख सकते हो, इस ग्राफिक्स में मैं गेमिंग करता हूँ। एंड कस्टम एचडी, बहुत सारे बंदे बोलते थे कस्टम एचडी दिखाओ, तो मैंने कस्टम एचडी भी दिखा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लैंड कर चुका हूँ बहुत ख़तरनाक प्लेस में, क्लॉक टावर में मैं लैंड किया हूँ। एंड भाई 3-4 बार ट्राई किया, उसको हेडशॉट ही नहीं लगा। मैंने गलत फ़ोन तो उठा के नहीं ला लिया रे दादा, नहीं इतना तो गजब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर फ़ोन सही है, अभी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, फर्स्ट गेम प्ले है ना इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हेडशॉट मारना एंड टिप्स एंड ट्रिक को यूज़ करके हेडशॉट मारना हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि हमें बखूबी आता है हेडशॉट मारना। सो मैंने जस्ट अभी 3 बंदे को मारा जिसमें से मुझे एक ही किल मिला है एंड शायद जो दूर दराज में बंदा है ना वो दोनों किल मेरा ले लेगा, तो शायद से मेरे एक ही किल रहेंगे। यहाँ पर बंदा, भाई एक बंदा बचा है, ऊपर साइड में बंदे हैं। एंड मैंने यहाँ पर गन एक्सचेंज किया, ऊपर साइड में बंदा है, एक लेफ्ट साइड में बंदा था शायद से, अब वो वहाँ पर है नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। किसी को दिख रहा होगा तो कमेंट करो। एंड आप फ़ोन से खेलते हो, एंड्रॉयड से खेलते हो, iOS से खेलते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पे सेट कर डालना, ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कर देना। सामने बंदा है, उस बंदे को ओनली रेड नंबर मैंने मारा एंड रेड नंबर मतलब कि बाई ज़बरदस्त वाला हेड शॉट। एंड उस बंदे को मैंने कर दिया हूँ ख़त्म। एंड अभी जो गेम प्ले है वो स्टार्ट हुआ है एंड देखते हैं कि मैं कितना खतरनाक गेम प्ले करता हूँ इसमें एंड कितने सारे बंदे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, सामने एक और बंदा एंड मैंने उसको फिर से हेडशॉट मारा। लिटरल यार आईफोन में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हेडशॉट लग रहे हैं एंड जो नॉर्मल एंड्रॉयड वाले फ़ोन रहते हैं ना उसमें से काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवांस टेक्नोलॉजी के हेडशॉट क्या बोल रहा हूँ भाई, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं ये बोल रहा था कि काफ़ी हद तक अच्छे हेडशॉट लग जाते हैं, एंड्रॉयड से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं हेडशॉट। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बंदी आई एंड बंदी भाई बंदा है लेकिन अब आ रही बंदी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था जो नहीं हो सकता यार वो हो रहा है। लेकिन इस बंदे ने मेरा एक किल चुरा ली, नहीं तो मेरे अभी 6 किल होते। एंड एक और बंदा ओनली रेड भाई, एक भी पीला नहीं पड़ा उसको। लेजेंडरी यार अब तो लाइक कर दो, नहीं किए होगे तो यार यहाँ पर 19 किल, मैं ना बेवकूफ़ ही हूँ, 19 नहीं है भाई, 6 किल है एंड 19 बंदे बचे हैं। एक बंदा घर के अंदर खिड़की से हमें झाँक रहा है, ताका झाँकी कर रहा है, मतलब कि छत पे सोया था बहन हुई
ये बंदा थोड़ा सा नॉनसेंस था, लेकिन मैंने उसको हेडशॉट मार के ख़त्म करा। एंड ख़त्म करने के बाद किल कंफर्म हमने कर ली है। काफ़ी शानदार यहाँ पर हमारा गेम प्ले चल रहा है अभी तक। एंड 7 किलो मैंने कर लिया, 1 किलो वो बंदी ने चुरा ली, एंड 1 किलो उसने भी चुरा लिया। तो भाई नहीं तो अभी तक मेरे कितने किलो जाते, 9 किलो हो जाते। बट कोई ना, हो जाएंगे कितने भी किलो हों, हम कोशिश करेंगे इस गेम प्ले को बुया लेने की। देखते हैं कि गेम प्ले बुया हो पाता है या नहीं। वैसे सोलो वर्सेस स्क्वाड में उतने भी खतरनाक बंदे नहीं आते, मतलब कि देखो आप अच्छे से खेलोगे तो भाई लगेगा नहीं कि बंदे खतरनाक है। यदि अच्छे से नहीं खेलोगे तो लगेगा अरे दादर सामने तो इतने ज़्यादा तगड़े बंदे हैं कि क्या ही बोलो। तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, बंदे आते जाते रहते हैं। भाई साहब मैं क्या दिखा रहा हूँ, किसको दिखा रहा हूँ भाई? फ़ोन है भाई तेरे पास, फ़ोन रख ले तू। लेकिन दिखा सामने एक बंदा है, हेडशॉट मारा। एक बंदा जस्ट नीचे लैंड किया भाई, 89 का उसको हेडशॉट लगा, बच गया बंदा, बच गया। किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उस बंदे को तो हम बताते कि खतरनाक गेमिंग किसको बोलते हैं। वैसे यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इसको सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे बंदे को भी देखेंगे कि कैसे मारना है, कैसा प्लानिंग करना है, और क्यों हम क्यों मारना चाहते हैं उन बंदों को। क्योंकि भाई वो बंदे जो रहते हैं हमें को मारने का सोचते ही नहीं है, मार ही देते हैं। वैसे इस बंदे से मैं फ़ाइट तो कर रहा था, लेकिन यार पता नहीं किसने इसको आके बजा के चला गया, मतलब कि मार के चला गया। हमारा एक काम आसान कर दिया भाई, 1 किल मुझे फ्री में मिल चुका है। मतलब कि वैसे मैं इसको मार तो देता, मतलब कि हाँ मार देता, बट यार किसी और ने मार दिया, समझो मैंने 1 किल चोरी कर लिया किसी का। नहीं ये झूठ है, इसने मेरा किल मारा यार, मतलब मैं जो बंदे को मार रहा था इसने उस बंदे को मारा, तो किल चोरी नहीं हुई, वो तो मेरा ही किल था, तो यहाँ पर कोई भी किल चोरी नहीं हुई। ठीक है, 9 किल मैंने बहुत आराम से किया। सामने बंदा है, काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट मैंने मारा उस बंदे को, एंड मुझे रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा दिमागधारी हो सकता है तो मुझे मार भी सकता है, इसलिए मुझे वहाँ पर पहले रश नहीं करना था, इसलिए मैंने उसमें बाद में रश किया। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो जैसी ज़रूरत है हमें वैसे ही गेम प्ले करते हैं। एंड यहाँ मुझे रश करने की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के एंड थोड़ा दिमाग से, एंड मैंने 10 किल कर लियो, 13 बंदे अभी बचे हुए। एंड जो किल हैं वो निरंतरता से बढ़ते जाएंगे। एंड आप भी लाइक करके इस चैनल को और बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो अभी क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरे कोई फीलिंग नहीं, तुम्हारी फीलिंग क्या ही बोल। सामने एक बंदा हेडशॉट मारने का ट्राई, हेडशॉट लग जा चिमकांडी बंदा, रुक जा, बंदा आएगा एंड हेडशॉट खाएगा, बंदा ख़त्म भी होगा। चलो मैंने इस बंदे को ख़त्म किया, एंड अभी मेरे हो चुके हैं 12 किल, 12 किल, और बंदे अभी बचे हुए लाइव है। देखते हैं कि इस गेम प्ले में हम क्या कर नहीं कर पाते हैं, एंड इस गेम प्ले को हम बुया ले पाते हैं या नहीं ले पाते। वैसे हमने शुरुआत की थी क्लॉक टावर से, लेकिन इसको हम ख़त्म कहाँ करेंगे ये तो हमको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, एंड हमको पता भी नहीं करना है। ठीक है, जहाँ भी ख़त्म हो, जैसे भी ख़त्म हो, बस अच्छा खासा यहाँ पर हमारा गेम प्ले होना चाहिए, एंड हमारे जो ऑडियंस है उसको पसंद आना चाहिए यार। बस इतना ही तो चाहते हैं हम कि कैसा भी गेम प्ले हो हमारी ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी जवान लड़खड़ा जाती है इसके लिए सॉरी। एंड बंदा मैंने पैर की आवाज़ सुन लिया था, क्लियर आवाज़ आ रही भाई, काफ़ी दूर था वो बंदा, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो बंदा का पैर का आवाज़ मेरी कान तक पहुंचा, एंड मैंने उसको पहुंचा दिया ऊपर, इतना ख़तरनाक गेमिंग करने के बाद, एंड इतना देर तक गेमिंग करने के बाद हम तो बिल्कुल भी थक जाते हैं। एंड 14 किल, 5 बंदे बचे हैं, देखते हैं कि हम इन बंदे को कितने देर में मारते हैं और कैसे मारते हैं, हेड शॉट्स मारते हैं सबको या बिल्कुल भी बॉडी शॉट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कि बॉडी शॉट भी लगते हैं कभी कभी हेड शॉट्स भी लगते हैं, तो देखते हैं कि कितना खतरनाक इस गेम प्ले को हम बुया लेते हैं। वैसे मुझे डरने की बात तो नहीं है, जब मेरे साथ हो खुद तो मैं किससे डरूं भाई साहब, मतलब खुद का ही साथ है मेरा, एंड मेरा ये खुद का साथ काफ़ी हद तक अच्छा है मेरे लिए। तो सामने एक बंदा है, एंड मैंने उसको हेडशॉट मारने का ट्राई तो किया था, लेकिन हेडशॉट लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बंदा जो मैंने
किल मैंने मार लिया क्या? 16 किल हो गए हैं, मतलब किसी और ने उसको नॉक किया था। पहले मैंने देखा था मैं ही मार रहा था, लेकिन उसको किसी और ने नॉक किया एंड किल मैंने दे दिया। सो एक और किल मेरे इंक्रीज हो चुके हैं, 3 बंदे बचे हुए हैं एंड देखते हैं कि इन तीनों बंदों में मैं कितने बंदे मार पाता हूँ। मतलब कि 2 बंदे हैं सामने, एक मैं हूँ, तो इन दोनों बंदे में मैं दोनों को मार दूँ या एक को मार पाता हूँ या दोनों से मर जाता हूँ या क्या होता है देखते हैं यार। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, जो भी हो जाता भी हो, जैसे भी से साजिश से देखते हैं कितना खतरनाक खेल सकते हैं। ठीक है, बस भाई भाई वहाँ एक बंदा है एंड जस्ट थोड़े से नीचे एक और बंदा है, शायद वो मुझे ना मार दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मैया रे, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब लास्ट का बंदा बचे, अब मुझे बुरे लेने से कोई नहीं मिलता। ये लास्ट वाले बंदे, मैं इतने सारे बंदे मार सकता हूँ, तुझे पहले लास्ट वाले बंदा नहीं मार सकता क्या? मतलब कि हलवा है के और तादर इतना खतरनाक उसने हेडशॉट मारा ना, बिल्कुल मैं तो घबरा गया। बट अभी मुझे घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अभी बहुत तगड़ा यहाँ पर रश किया है बंदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ना छुपा रुस्तम है, मतलब कि नूबड़ा वाला कपड़ा पहन के बहुत प्रो लेवल की गेमिंग कर रहा है। एंड ऐसा हो सकता है भाई, कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जो नूब वाले कपड़े पहन के बहुत खतरनाक गेमिंग करते हैं एंड काफ़ी सारी किल्स कर लेते हैं। वैसे मैंने इस बंदे को किया नॉक करके ख़त्म, मतलब किसी पास होगा सेल्फ रिवाइव। तो भाई मेरा हो चुका बोया, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सेट कर डाला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आपको अनबॉक्सिंग पसंद आती है तो यार कर देना लाइक से सब्सक्राइब।